अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 23 है, इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, बहुत इजी। मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरह पहले न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के बाद ये प्रिंटिंग मीडिया का दौर कैसे आया और क्यों ये लाया गया, ये दौर क्यों इसकी जरूरत पेश आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशियल फेज में कुछ यूं हुआ कि जो मैगजीन्स बनाई जाती थी वो हाथ से प्रिंट की जाती थी या कोई बहुत ही स्लो किस्म का प्रोसेस था न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करने का। तो उसका ये होता था कि वो बहुत देर लग जाती थी। एक दिन न्यूज़पेपर आती थी और घंटों घंटों छोड़े आप 2 दिन 3 दिन बाद जाकर नेक्स्ट न्यूज़पेपर जो सा था वो पब्लिश होकर आता था, जिसकी वजह से उन्हें ये सोचा गया कि क्यों ना कोई ऐसी चीज ईजाद की जाए जिससे न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर प्रिंट हो और डेली बेसिस पर लोगों तक पहुंचे। ये हम पहले पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद प्रिंटिंग का अमल आया, ज्यादा तेज हुआ और प्रिंटिंग मशीनरीज इस्तेमाल होने लगी, जिसे हमने कहा प्रिंट मीडिया। फिर इसे प्रिंट मीडिया का नाम दे दिया गया और प्रिंट मीडिया ने खुद को एक डिसिप्लिन दिया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कंटेंट्स में कंटेंट अच्छा किया और अब मार्केटिंग में अपेयरेंस क्या है मैगजीन्स की उसको अच्छा किया, ग्राफिक डिजाइनिंग हर चीज पर फोकस किया, लेआउट नंबर ऑफ पेजेस इंक कैसे इस्तेमाल होती है हर चीज को अच्छा इस्तेमाल करके एक डिसिप्लिन के साथ उन्होंने मैगजीन्स को प्रिंट करना स्टार्ट किया और डेली बेसिस पर पब्लिश किया। अब हम ये देखेंगे कि न्यूज़पेपर पब्लिश होता कैसे है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आसान है लेकिन पब्लिश करना बहुत मुश्किल है, और ये कैसे फिर तेज हुआ इसका अमल। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी पब्लिकेशन है, एनी पब्लिकेशन हैज थ्री क्लियर एरियाज टू मैनेज। इनके तीन एरियाज होते हैं। सबसे पहला है एडिटोरियल, दूसरा बिजनेस, तीसरा टेक्निकल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिटोरियल क्या होता है। एडिटोरियल एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड है जो इस्तेमाल की जाती है न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करने में, जिसमें हर चीज पहले कंटेंट रेडी किया जाता है। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फील्ड स्टाफ, न्यूज रूम एंड एडिटोरियल। अब फील्ड स्टाफ क्या होता है, हमने देखा होगा कि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो होते हैं फील्ड स्टाफ, उन्हें फील्ड स्टाफ कहा जाता है। और मुख्तलिफ किस्म के रिपोर्टर्स को मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स के लिए, कोई क्राइम के लिए होता है, कोई पॉलिटिक्स के लिए होता है, कोई बिजनेस के लिए होता है, कोई इन्वायरमेंट के लिए, कोई स्पोर्ट्स के लिए, हर फील्ड के लिए अलग रिपोर्टर्स होते हैं। उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग्स दी गई होती हैं। वो रिपोर्टर्स जो जाकर मौका वारदात पर जाकर अपनी उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं, न्यूज को रिकॉर्ड करते हैं और फिर न्यूज रूम में भेजते हैं, वो रिपोर्टर्स हमारे फील्ड स्टाफ में आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फील्ड स्टाफ क्या होता है, कि जो रिपोर्टर्स न्यूज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जहां पर कोई भी जो हमारे पास कोई भी क्राइम होता है तो वो फौरन वहां पहुंचते हैं और वहां उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो वो फौरन नहीं दिखा दिया जाता, उसे एडिट किया जाता है। तो वो रिपोर्टर्स फील्ड स्टाफ में आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद न्यूज रूम, फिर वो वीडियो को रिकॉर्ड करके न्यूज रूम में भेजते हैं। आगे से न्यूज रूम वालों का काम होता है कि उन्हें कौन सा कंटेंट आपको दिखाना है लोगों तक और कौन सा नहीं दिखाना, क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। उन्हें कॉपीराइट का क्लेम हो सकता है या कोई ऐसी चीज जिस पर उन्हें पाबंदी हो सकती है कि आपने ये क्यों दिखाया, तो वो न्यूज रूम में सारा सेट किया जाता है कि आप लोगों ने क्या आगे दिखाना है और क्या उन्होंने आगे नहीं दिखाना, और एडिटोरियल में सारा उसको एडिट किया जाता है। तो ये था हमारा सबसे पहले के इनके जो इनकी डिविजन हैं वो, सबसे पहले एडिटोरियल, उसके बाद हम पढ़ते हैं बिजनेस सेक्शन क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पब्लिकेशन में, जो भी पब्लिकेशन है जिस तरह की भी है, उसमें फाइनेंस, पैसे की जरूरत लाजमी होती है। अब बिजनेस सेक्शन क्या होता है वो पढ़ते हैं। बिजनेस सेक्शन होता है जिसपे एडवर्टाइजमेंट की जाती है, बिजनेसेस की, ब्रांड्स की, प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, एड्स लगाए जाते हैं, इश्तेहारात लगाए जाते हैं, वो बिजनेस सेक्शन में आता है। अब वो एड्स कैसे बनाए जाते हैं वो उन्होंने हमें आगे बताया कि वो एड ऐसे ही तैयार नहीं कर लिए जाते, बल्कि बहुत उन पर मेहनत की जाती है। उनके कलर्स, उनको मल्टी कलर्स, उनको शेड्स देना, फिर उनके पेजेस सेलेक्ट करना, प्लेस सेलेक्ट करना, और फिर प्लेस और पेजेस के लिहाज से, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एड एक पेज का है और वो उसे दो पेजेस पर लेके जाना चाहता है तो वो उसका डबल पे करेगा, उसकी प्लेस और पेजेस के हिसाब से वो पे करते हैं, फिर वो एड्स बनता है। फिर उन्होंने नेक्स्ट बताया कि दो तरह के होते हैं, क्लासिफाइड और डिस्प्ले एड्स। क्लासिफाइड एड्स क्या होता है, जिसमें सिंपल ब्रीफली एक कॉलम के अंदर बात बताई गई होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कह सकते हैं हम कि सिर्फ ब्रांड का नेम, दैट्स कॉल्ड क्लासिफाइड। और फिर नेक्स्ट डिस्प्ले होता है कि वहां आप पूरा नोट बताते हैं कि ब्रांड किस बारे में है और ब्रांड क्या काम कर रही है और ब्रांड किस प्राइस पे आपको चीज दे रही है, वो सारा उसके लिए डिस्प्ले एड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि न्यूज़पेपर चार्ज एड कॉस्ट इन एडवांस।
जो न्यूज़पेपर पे ऐड चलाया जाता है, पहले वो पैसे लेते हैं, पहले उसकी कॉस्ट लेते हैं, फिर वो उसे आगे चलाते हैं। और शायद ये उन्होंने बताया कि 90 डेज के इनके क्रेडिट का इजाजत होती है। नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं कि सर्कुलेशन डिपार्टमेंट क्या होता है। सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के आपको ऐड के सारी एक्सरसाइज क्या है, किस जगह पर चलाना है, किस जगह पर पब्लिक करना है, उसकी पब्लिकेशन कहाँ पर होगी वो। फिर उन्होंने बताया कि इसका एक पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट होता है जिसमें वो पूरी उसकी टेक केयर करते हैं कि आपके ऐड पे किस तरह की मशीन इस्तेमाल होगी, पेपर किस तरह का इस्तेमाल होगा, इंक किस तरह की इस्तेमाल होगी, और ट्रांसपोर्ट का भी तो होता है ना कि आपने कहाँ जाकर ऐड लगा कर आना है, और फिर पूरे दिन जब खत्म हो जाएंगे तो कहाँ से आपने ऐड को उतारना है और उस जगह पर जाकर आप वहाँ नया ऐड लगाते हैं। तो ये सब चीजें भी उसके अंदर आती हैं जो अकाउंट डिपार्टमेंट वाले हैंडल करते हैं। लास्ट में हमारा टॉपिक है प्रेस। प्रेस क्या होता है? जो भी न्यूज़पेपर हम देखते हैं, न्यूज़पेपर पर जितना भी प्रिंटिंग साइड काम होता है वो प्रिंटिंग प्रेस कहलाता है। जो भी न्यूज़पेपर पर प्रिंट किया जाता है उसे प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। और इनका ये टाइम की बहुत ज्यादा पाबंदी जरूरी होती है कि अगर नेक्स्ट मॉर्निंग आपको न्यूज़पेपर देनी है लोगों के घरों में, तो आपको उसकी प्रिंटिंग प्रेस फौरन एक दिन पहले तैयार होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, डिजायर्ड ऑन द टाइम। उसके बाद उन्होंने बताया है कि इस काम को मैनेज करने के लिए, वक्त पर ये सब कुछ हो सके, उसके लिए डायरेक्टर्स मतलब ऑनर्स बनाए जाते हैं जो इस सब मामले को हैंडल करते हैं कि पेपर का साइज कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा जिस पर न्यूज़पेपर छपेगा। फिर उसके बाद सिर्फ पेपर ही नहीं बल्कि कैमरास का भी इस्तेमाल होता है न्यूज़ को कॉपी पेस्ट करने के लिए। उसके बाद ये जो प्रिंटिंग प्रेस होती है रेगुलर पब्लिकेशन के तौर पर इसे मैनेज किया जाता है। तो फिर ये तीनों जो चीजें हैं, ये मेजर सेक्शन, जो 3 मेजर सेक्शन ऑफ पब्लिकेशन के हैं, ये डायरेक्टर्स की मदद से कंट्रोल किए जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो भी न्यूज पब्लिकेशन करने के जो भी अंदर स्टाफ काम कर रहा होता है उन्हें खास तौर पर बकायदा ट्रेनिंग दी गई होती है, उन्हें हर बात समझाई गई होती है। वो ट्रेंड लोग होते हैं जो प्रोफेशनली अपने काम को सर अंजाम देते हैं। तो ये बहुत ही हमारा एक इजी सा लेक्चर था, मैं फिर भी रिवाइज कर देती हूँ अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई तो। सबसे पहले उन्होंने बताया कि मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है, कि पहले बहुत ही इनिशियल फेज पे बहुत स्लो काम किया जाता था जिसकी वजह से प्रिंट मीडिया आया। प्रिंट मीडिया में उन्होंने डिविजन बताई हुई है कि एडिटोरियल होता है, बिजनेस होता है, टेक्निकल होता है। बिजनेस में सॉरी एडिटोरियल में उन्होंने बताया कि दो फील्ड होते हैं, फील्ड स्टाफ न्यूज रूम, एडिटोरियल फील्ड स्टाफ होता है जिसमें रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज रिकॉर्ड करते हैं, न्यूज रूम जहाँ पर पूरा न्यूज को एडिट किया जाता है, बिजनेस सेक्शन जहाँ पर बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है और किस तरह सारे एड्स बनाए जाते हैं वो उन्होंने बताए हैं, और प्रेस फिर जहाँ जो भी प्रिंटिंग साइड काम होता है, जो भी प्रिंट किया जाता है न्यूज पेपर पर उसको हम कहते हैं प्रेस। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। और आप मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।